सो ये गाइस की याद चले सब दोबली सारे वीडियो होंगे हाई ऑन मी टीजर यो यो हनी सिंह यो यो मिसिंग यस तलविंदर ओनली दिख रहा है ठीक है तो रिव्यू देन देख दे की रहता है ये जबरा यू नो व्हाट इट इज कैंडी सो फाइनली यो यो हनी सिंह यो यो हनी सिंह आजी ने उनकी ग्लोरी एल्बम से तीसरे सॉन्ग की म्यूजिक वीडियो का एक टीजर ड्रॉप कर दिया है। सॉन्ग का नाम है हाई ऑन मी जो कि तलविंदर के साथ कोलैबोरेशन है। इस सॉन्ग की हाई बहुत पहले से बन चुकी थी जब इसकी कुछ वीडियोस लीक हुई थी, लेकिन क्योंकि इसका अभी अभी ऑफिशियल टीजर आ चुका है तो आज हम इसी की बात करते हैं। सो जो चीजें वीडियो में दिखाई गई है वो मैंने आप सबको 3 हफ्ते पहले ही बता दी थी कि इस सॉन्ग के अंदर आपको पुलिस आर्मी टैंक वैंक दिखेंगे। टीजर के शुरू में हमें लंदन का व्यू दिखाया जाता Okay. ट्रेन दिखाई जाती है, वहाँ की स्ट्रीट्स दिखाई जाती हैं। यहाँ पे एक बंदा झाड़ू लगा रहा होता है कि अचानक से बहुत सारी गाड़ियाँ और एक टैंक की एंट्री होती है। बाद में पता चलता है कि इधर बहुत बड़ा क्राइम हुआ है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि तलविंदर ने किया है और उसी को पकड़ के ये लोग ला रहे हैं। क्राइम सीन बैरियर टेप भी लग चुका है। ये सीन काफी गूस बम्स दे रहा था क्योंकि पहले तो तलविंदर के फेस पे ये जो मास्क लग खतरनाक होता है ये अलग ही सस्पेंस बनाता है। इसको लेके काफी लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि इस सॉन्ग के अंदर भाई का पूरा फेस रिवील नो चांस होने वाला है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर इसी के साथ ये टीजर खत्म हो जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि पूरे 1.5 मिनट के टीजर के अंदर हमें हनी पाजी कहीं देखने को नहीं मिलते, एक सेकंड की झलक भी नहीं। लेकिन हाँ, इस वीडियो से उन्होंने अपने सभी फैंस को शाउट आउट दी यो यो आर्मी क्या है। अगर आप देखोगे तो पुलिस के पीछे लिखा है यो यो आर्मी, वहीं क्राइम सीन का जो बोर्ड है वहाँ पे भी क्राइम जोन की जगह यो यो जोन लिखा है। सो ये चीज देख के काफी ज्यादा खुशी मिली है। फैंस तो हमेशा अपना प्यार अपने फेवरेट आर्टिस्ट को दिखाते हैं, लेकिन जब वो आर्टिस्ट भी अपने फैंस को शाउट आउट देता है तो सच में दिल को बहुत खुशी मिलती है। हाँ, लेकिन जिमें एक एग्जांपल दवा सिद्धू भाई हर एक बड़े प्यार मिलता होता है ना, तो गीतों करते रिएक्ट कुड़ी वालों साढ़े वर्ग की गल भी की ठीक है, भावें उस टाइम तो मैं नहीं भी करता रिएक्ट, बट एक तरीके चंगा लगता कि हाँ कि साड़ी कम्यूनिटी की गल की। उस तो बाद बब्बू मान साहब जी की गल करते मेरे फैन मेरे वर्गे ने इदा के उन्होंने गीत है ना, जेडे भी आर्टिस्ट अपने फैनस न खुश रखते हैं उन्होंने इज्जत करते हैं वही आर्टिस्ट लंबा चलता मिलती है। पहले मिलीनियर सॉन्ग में उन्होंने कल्ट फैन बेस बोला था, वहीं इस बार उन्होंने वीडियो में मेंशन किया है फैन बेस मेरा जिवे कल्ट कोई कोड़िया बनाउंदे बोले कल्ट कोई। वैसे टीजर में तो सिर्फ यही चीज दिखाई गई है कि क्राइम वगैरह हुआ है, लेकिन पूरी स्टोरी क्या है वो आपको सॉन्ग के अंदर पता चलेगी। इस सॉन्ग में हनी पाजी का रोल क्या है, क्या वो इस सॉन्ग में भी एज अ विलन दिखने वाले हैं। मखना सॉन्ग के अंदर बहुत बड़ी चोरी हुई थी, वहीं देसी कलाकार में वो लड़की को भगा के ले जा रहे थे, लेकिन हाई ऑन मी में क्या होगा वो आपको बस कुछ ही दिन के अंदर पता चल जाएगा। इस सॉन्ग की वैसे टीजर बहुत पहले आया, आई थिंक टीजर 1 तो टीजर 2 भी एक आएगा जिसमें हनी सिंह। रिलीज डेट भी 26 तारीख है, मतलब इसी 26 सितंबर को ये वीडियो आपकी हो जाएगी। सच बताऊं तो तेजी संधु भाई ने क्या ही खतरनाक शूटिंग करी है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये किसी सॉन्ग का टीजर होगा। इसे देख के तो ऐसी फील आ रही है कि ये कोई हॉलीवुड मूवी का एक ट्रेलर है। जिस तरह से इसमें टैंक दिखाया गया है आप लोग समझ जाओ सिर्फ एक सॉन्ग के लिए कितना पैसा खर्च हुआ होगा। जियान का तो शायद करियर जा सकता है। खैर मुझे तो ये टीजर काफी ज्यादा पसंद आया है, अगर कुछ सेकंड्स के लिए हनी पाजी दिख जाते तो और मजा आता, लेकिन वो चीज अभी जानबूझ के सस्पेंस बनाई हुई है। 26 तारीख को सब पता चली जाएगा। बाकी आपको टीजर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर आग लगा के बता दो। जब तक वीडियो ड्रॉप नहीं होती इस सॉन्ग को आप लोग स्पॉटिफाई पे सुनते रहो। हमें 26 तारीख से पहले ग्लोरी एल्बम पे 50 मिलियन स्ट्रीम्स पूरी करनी है, तो जाओ अपना काम शुरू। ओके मेरे ख्याल आई थिंक 30 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स हो चुके हैं। हाँ वैसे ही 10 दिन पे हैं, 10 दिन 8 दिन तो है ही नहीं, 8 दिन च हो सकता भाई 10 मिलियन स्ट्रीम्स एटलीस्ट होर ग्रो हो सकती है ने जे करना चाहन लोग सब ऑडियंस के उत्ते। अपन तो भाई सब कह ही सकते हैं कि करया करो सुनया करो स्ट्रीम करो एल्बम्स नो स्ट्रीम करो ही गाने हमेशा। यूट्यूब तो ठीक है तुम एक दो बार देख लो कोई चक्कर नहीं, बट कोशिश करो कि हमेशा स्पॉटीफाई चलो। अजकल तो स्पॉटीफाई स्मार्ट टीवी कार हर जगह तो ही है ना, स्पॉटीफाई एप्पल म्यूजिक डू ट्राई दैम। वैसे तो सब्सक्रिप्शन भी इन्होंने बहुत सस्ते ने, जो कोई लेना चाहिए 100 रुपये का ही आता है, 100-120 का, बट स्टूडेंट वाला होर भी सस्ता है जो थोड़ा किसी तरीके मिल सकता है। तो बाकी मैनू इदा लगता है, एक मिनट जरूर दस जा रहे हैं, मैंने इदा लगता है कि हनी सिंह इस हाई ऑन मी का एक टीजर 2 भी आएगा जिद सिर्फ यो यो हनी सिंह दिखाने जिमें अपना तलविंदर दिखाया। ठीक है, सत श्रीकाल।